Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like... Hi everyone, I hope you all are doing good. So ye vlog hoga Munna day 1 ka. अभी मैं थी वायनाड में 900 कंडी पर, देन वहाँ से मैं जा रही हूँ वायनाड कलपेटा बस स्टैंड, देन वहाँ से मैं डायरेक्ट मुन्नार की बस लूँगी। कलपेटा पहुँचकर बस की बस पड़ी हमें 480 रुपीज़ की, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द बस। आई हैव ऑलरेडी रीच मुन्नार और मैंने KSRTC की, मतलब जो केरला की गवर्नमेंट वाली बस, वही बुक की थी 450 से 500 में। आप वायनाड से मुन्नार पहुँच जाओगे एंड द डिस्टेंस इज लाइक 380 किलोमीटर समथिंग, सो विच वॉज अ गुड डील बिकॉज अगर मैं कैब वगैरह करती तो मुझे आराम से यू नो लाइक 13,000 to 15,000 पड़ जाता। सो यस, अभी डे 1 है, देखते हैं। पर सबसे पहले मैं जाऊँगी कुछ ब्रेकफास्ट करने एंड उसके बाद आई सी कि क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। प्लान है कि आज मैं थोड़ा लोकली एक्सप्लोर करूँगी एंड कल थोड़ा दूर वाटरफॉल वगैरह देखते हैं। सो इससे पहले हमने डोसा खाया जिसका वेट नहीं कर पाया और अभी हम खा रहे हैं उत्तपम। और सो ये था रेस्टोरेंट जहाँ हमने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। एंड मुन्नार की फर्स्ट डेस्टिनेशन हम आ गए हैं विच इज़ रोज़ गार्डन, सॉरी फ्लावर गार्डन। सो अभी अंदर चलते हैं। ये है फ्लावर गार्डन मुन्नार में। सो बेसिकली आज आपको पूरे व्लॉग में सारे टूरिस्ट स्पॉट्स दिखेंगे। सो प्रिटी मच मैंने डे 1 सारी लोकल जगह ही चेक की, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ जब भी आप जाओ कहीं पर भी, नो मैटर कितना डिजिटल हो जाए इंडिया, ऑलवेज कैरी कैश, ये मैंने सीख लिया है। एंड ये था फ्लावर गार्डन, काफ़ी ब्यूटिफुल कलरफुल से फ्लावर्स थे, बेसिक रोज़ टाइप का फ्लावर्स नहीं थे। आई मीन मैंने यूजुअली ऐसे फ्लावर्स नहीं देखे हैं, एंड बहुत छोटा सा एरिया था बट वेरी कलरफुल एंड वेरी प्रिटी। बट अगर आप स्किप करना चाहो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो। हम आ गए हैं एलिफेंट सफारी करने। सो ये था हमारा सेकंड स्पॉट जो था एलिफेंट सफारी। अगेन ये भी काफ़ी लिमिटेड सा एरिया था एंड राइड भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी। वैसे पहले 700 थी, हाँ 700 थी पर पर्सन, लेकिन भैया ने थोड़ा कम कर दिया। मैं बताऊंगी नहीं कितना बिकॉज भैया ने मना किया डिस्क्लोज करने से, और अभी मैं हूँ हाथी पे पीछे। एंड थर्ड स्पॉट था हमारा मधुपेट्टी डैम। अच्छा मैंगो, लेट्स हैव सम कच्ची कैरी। ये मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से यहाँ पे आने के बाद, बट मुझे लगा सीजन नहीं है सो मिलेगा नहीं। एंड ये काफ़ी बड़ा डैम था एंड काफ़ी प्रिटी भी, बादल एंड एवरीथिंग। जस्ट बारिश की वजह से जो रोड्स थे उतने अच्छे नहीं थे, अदरवाइज इट वॉज़ अ वेरी नाइस प्लेस। एंड यहाँ पर एक मार्केट भी थी जहाँ से आप वाइन, चॉकलेट और कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें होममेड जो होती हैं खरीद सकते हो। सो ये है मधुपट्टी डैम, अब बहुत बड़ी डैम है अच्छी खासी। एक सेकेंड, यहाँ पर बोटिंग भी होती है और जेट स्कीइंग भी होती है, लेकिन दोनों ही बंद है अभी आई गेस बारिश वगैरह की वजह से। बट काफ़ी अच्छी लोकेशन है, सूदिंग सी, एंड यू कैन डेफिनेटली कम हेयर। ये सारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तो अभी हम जा रहे हैं स्पाइस गार्डन, होपिंग कि ये वेदर जो है थोड़ा बेटर हो पाए, विजिबिलिटी हमें दिख पाए, बिकॉज हमें कुछ व्यू पॉइंट्स देखने थे और अगर ऐसे क्लाउड रहे हम नहीं देख पाएंगे। एंड अभी हम जा रहे हैं स्पाइस गार्डन। इन स्पाइस गार्डन अभी हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे पर पर्सन टिकट है 100 रुपीज़ एंड इट्स सो स्वीट ऑफ देम कि वो अम्ब्रेला प्रोवाइड करें बिकॉज बारिश हो रही है। सो ये अभी तक यहाँ पर कहीं नहीं हुआ है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम आ गए अंदर और आई गेस भैया ये क्या है? अच्छा फ्लावर है, मुझे लगा काली मिर्च है। सो मुझे पर्सनली स्पाइस गार्डन विज़िट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज़ यहाँ पर यू नो लिटरली हर चीज़ के प्लांट थे। ऑल्दो यहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत यू नो चुपके से शूट कर लिया। प्रॉपर एक गाइड था हमारे साथ जिन्होंने हमें पूरा यू नो बताया कि कौन सा प्लांट किसके लिए यूज़ होता है।
आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग विजिट है अगर आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट करती है। एंड देन बाहर ही इनका एक मेडिकल शॉप है जहाँ पर आपको हर तरह की आयुर्वेदिक दवाई मिलती है और क्या। एंड हमारी स्पाइस गार्डन विजिट कंप्लीट हो गई है, सो वो पूरा गाइड लेके जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पर अलाउड नहीं था शूट करना, इसलिए मैं प्रॉपरली शूट नहीं कर पाई, बट जितना थोड़ा चुपके चुपके कर पाई। एंड उसके बाद ये पूरा एक स्टोर है आयुर्वेदिक। एंड हमारी स्पाइस गार्डन विजिट कंप्लीट हो गई। एंड देन सी वेदर काफ़ी सही हो गया था, क्लाउड बिल्कुल चले गए थे, सो आई वॉज हैप्पी कि चलो फाइनली कुछ अच्छे व्यू पॉइंट दिखेंगे। बट देन अगेन इट हैपन, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी एंड ये फॉग नहीं क्लाउड्स थे। सो इस दिन मैं कुछ भी नहीं देख पाई इन 3-4 स्पॉट्स के अलावा। एंड आज का टूर हमारा ख़त्म होता है यहीं पर। सो बेसिकली एक दो व्यू पॉइंट और थे जो हमें कवर करने थे, बट इतने ज़्यादा बादल हैं कि कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है एकदम वाइट। सो अभी हम आए हैं अली बाबा रेस्टोरेंट, यहाँ पे कुछ खाने हैं। भैया ऑटो वाले भैया ने बोला कि काफ़ी अच्छा है, सो कुछ खाते हैं बताते हैं आपको। केरला का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रीज़नेबल एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी, स्पेसिफिकली मुन्नार एंड वायनाड का। इस व्लॉग में मे भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्पॉट्स नहीं थे, ज़्यादा अच्छी जगह मैं विजिट नहीं कर पाई ड्यू टू वेदर एंड अदर रीजंस, बट स्टिल आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।